देश भर में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को कोरोना के 702 नए मामले सामने आने के बाद देश में एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 4000 के पार पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 12 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, सबसे ज्यादा 6 नए संक्रमित जो मरीज हैं वो दुर्ग में पाए गए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 4 दिन बाद एक साथ 5 नए केस मिले हैं। इनमें से 3 कोरोना पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। वहीं इंदौर में भी 4 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो कोरोना को लेकर जो है लगातार एक के बाद एक जो है संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार जो है केस सामने आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो दुर्ग से सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में कोविड के 6 लोगों की जान भी चली गई है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 12 नए केस कोरोना संक्रमित मिले हैं और एक्टिव केस की संख्या जो इस तरह छत्तीसगढ़ में 31 पे पहुंच गई है। भोपाल में 5 नए केस सामने आए हैं। इंदौर में भी 4 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। देश भर में कोरोना के संक्रमित मरीजों की जो है 702 मामले सामने आ चुके हैं।